press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए, एक मर्तबा आदमी के अंदर ये एहसास जग जाए तो अपने आप मीडिया में वो बातें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जब मैं खुद यहाँ पर आ रहा था तो मेरे रेफरेंसेस भी पुराने थे, क्योंकि मेरे सामने वाले वाजू में जो गाड़ी चला रहा था उसके पास लेबल लगा था डिजेबल्ड, मगर वो बिल्कुल तेज़ गाड़ी चला रहा था, मुझसे आगे निकल गया था। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना जो है कंप्यूटर जो है उसका डेटा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी रेफरेंसेज हिंदी सिनेमा के ही हैं, पुरानी फिल्मों के ही हैं कि वो लाचार है, बेबस है। और ऐसा नहीं है, आज की तारीख में वो रेफरेंसेज हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, और जब हम अपने जहन में वो क्रांति ले आएंगे तो अचानक आप देखेंगे कि सब उसका जिक्र करेंगे। आपने कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव और फन, मैं कहूँगी नेगेटिव पॉजिटिव एंड कम्प्लीटली फ्रिवलिस। हमको ये फ्रिवलिस कैटेगरी से निकलना चाहिए, और जो रियल होता है उसमें क्या नेगेटिविटी और क्या पॉजिटिविटी मुझे समझ में नहीं आती है। हमें मतलब रियल बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई आज। इधर किसी को नीचे खींचना है या किसी को भगवान बनाना है, मगर हमारे सामने जो एक रियलिटी है उसे देखना नहीं है। बस फ़ोन पर घुसे हैं हम, एंड वी आर सो कनेक्टेड सपोजिटली, मगर एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ गए हैं। तो आई थिंक दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द सपोजिट स्पेशली एबल्ड पीपल, क्योंकि आई थिंक कि उनके अंदर एक बर्निंग एक फर्वर है टू बी एबल टू गो आउट देयर एंड टेल देयर स्टोरीज। जैसे बुके जो बनाते हैं, जो उन्होंने हमें दिया है एक पैशन के साथ, तो अगर हम थोड़ा जाग जाएं और एक दूसरे की बातें को ज़रा सुने गौर से, दिल से, तो आई थिंक बहुत कुछ होगा। ये इनके गले से जो आपने सुनी बात वही हमारी पूंजी है, क्योंकि इनका सफ़र कोई काल्पनिक स्पेस में नहीं हुआ है। इन्होंने जो जिया है उसकी बुनियाद पर खड़े होकर उन्होंने ये रोशनी मुल्क के कोने कोने फैलाई है। हमारे लिए ज़िंदा आइकन्स ये हैं, ज़िंदा हीरोज़ ये हैं, और ये हीरोज़ जो हैं समाज में क्रांति ये लाते हैं। हमें इनके पास बैठकर इनकी दिल की सच्चाइयों से रिश्ता जोड़कर हमारे स्पेस में जो कुछ करना है हम कर पाएँ, उसके साथ लगे रहना चाहिए। बस पूजा मैम, सार्थक की बात करें तो सार्थक का अगर पूरे सोल की अगर बात करें तो क्या है सार्थक का सोल जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं नहीं, सोल एक्सपीरियंस सार्थक आई नो दैट, बट सोल एक्सपीरियंस यहाँ पे किया? सोल तो यहाँ पे हर कोने में है, एंड आई थिंक कि ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक कि भट्ट साहब ने मुझे बहुत पहले ये कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में लोग बहुत कुछ पा लेते हैं मगर वापस नहीं देते हैं खुद की इंडस्ट्री को। तो आई थिंक कि दैट इज़ वाई यू सेट अप एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हर फिल्म में हम नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उस टैलेंट से हमको बहुत कुछ मिलता है। हम उस एटीट्यूड से नए लोग को नहीं लेते हैं कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, हमको बहुत कुछ मिलता है उनसे।
तो आई थिंक सिमिलरली जब भी जो आपने कहा कल जो मेरे साथ आज तक है कि थैंक यू गॉड फॉर टेकिंग अवे माई साइट, क्योंकि जब भी उन्होंने वो किया आपके साथ में अचानक आपने कुछ और देखा एंड आपके अंदर एक रोशनी आ गई जो आप बाकी लोगों की दुनिया में फैला रहे हैं. एंड आई थिंक वो भी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि वो डिग्निटी से रोजी रोटी कमाएं. एंड आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई चाहता है आप मैं किसी को हाथ आप बाहर उनके सामने ऐसे नहीं करना चाहते कि प्लीज़ हमें प्लीज़ एक निवाला खाने को दो. तो आई वुड जस्ट बिसीच ऑल द कॉर्पोरेट बॉडीज हू हैव द स्पेस एंड कैपेसिटी कि आप चंदा दे देंगे, आप डोनेशन दे देंगे, नहीं चाहिए आपके डोनेशंस, काम दीजिए सर, लोगों को मौका दीजिए कि खुद के पैरों पे वो खड़े खड़े रहें. डिग्निटी नाम की जो चीज़ होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आज के दौर में लोग इतना एम्फोसिस डालते हैं कि यार ये आ गया स्मार्टफोन आ गया, मगर वो डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी टू बी एबल टू बी एक्सेसिबल. जैसे रेलवे स्टेशन में जब भी मैं बात कर रही थी जापान के बारे में, छोटे से शहर में एक रेलवे स्टेशन पे हर स्क्वायर इंच पे एक ब्रेल का एक पाथवे था ताकि समबडी विद अ डिसेबिलिटी विद अ काइंड ऑफ साइट इम्पेयरमेंट वो बाथरूम जा पा रहे थे, वो एक ट्रेन पे चढ़ के उतर पा रहे थे बिना किसी से मदद मांगे. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक दूसरे को एम्पावर करें, एक दूसरे का हाथ पकड़े. और मैं वही बोलती हूँ कि आज के ज़माने में उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और फन, मैंने बोलती हूँ कि नहीं फ्रिवॉलिटी में हम घुस गए हैं कि चलो न्यूज़ डाल दिया मगर वो न्यूज़ को हम एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ में इंटरेस्टेड है मगर उसको हम वेरीफाई करते नहीं हैं, हेडलाइन बना दिया हमने मगर उसके बाद में क्या है. तो आई थिंक हम जो है अपने आप को बहुत ही नॉर्मल मानते हैं बट वी हैव आईज एंड वी कांट सी and we have ears and we can't hear. Thank you so much. I promised Bhatt sahab and Pooja ji that by 4 o'clock and all they have to be and because you know they will be caught up in the traffic. So thank you so much. Sure.